दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अगर आप अफवाहों पर गौर करेंगे तो ये बात आपको सही लगेगी। जी हाँ, आजकल ही नहीं, काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से ये बात धीरे धीरे ही सही लेकिन रह रहकर मीडिया में आ रही है कि आम्रपाली शादी क्यों नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि आम्रपाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 40 की हो जाऊंगी तो शादी कर लूंगी। तब इस पर उनकी माँ कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा मन ही नहीं है शादी करने का। आम्रपाली खुद बताती हैं कि वो जब स्कूल टाइम में थी तब एक लड़के पर उनका दिल आ गया था और वो चाहती थी कि वो उससे शादी करे। लेकिन ये सारी बातें आम्रपाली कहती हैं कि जब वो क्लास 4th में पढ़ती थी तब की हैं। आज उस लड़के के पास गर्लफ्रेंड है और वो अपने लाइफ में काफ़ी खुश है, लेकिन फिर उसके बाद उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया जिसे आम्रपाली का शादी करने का मन करे। लेकिन जब से आम्रपाली ने निरहुआ के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म की है तब से उनका अफेयर हमेशा, यानी उनके अफेयर की लिंकअप्स हमेशा आम्रपाली दुबे की निरहुआ के साथ ही जोड़ी जाती है। लोग कई मर्तबा तो उन्हें पति पत्नी तक मान लेते हैं, लेकिन अब अगर सोर्सेस की माने तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली ने कोर्ट मैरिज कर ली है। जी हाँ, कुछ सूत्र बताते हैं कि ये कोर्ट मैरिज इतने गुपचुप तरीके से की गई है आम्रपाली और निरहुआ के परिवार को छोड़कर, शायद ही ये बात किसी और को पता चली हो। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। और भाई कहते हैं जहां आग लगी हो धुआं भी तो वहीं से उठता है। वैसे भले ही ये बात सच हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनके बीच ऐसा जरूर है कि जिसके वजह से बार बार ये दोनों से हमेशा एक ही सवाल किया जाता है कि आम्रपाली जी शादी कब करेंगे। कभी निरहुआ से ही यही सवाल किया जाता है तो कभी आम्रपाली से। लेकिन इसके जवाब में निरहुआ कहते हैं जब उन्हें करना होगा, उन्हें सही पार्टनर मिल जाएगा तब वो कर लेंगी, ये उनका मैटर है। लेकिन जब शादी वाला सवाल आम्रपाली से पूछा जाता है तो भाई आम्रपाली उसे इतना गोल गोल घुमाती है कि वो जलेबी बन जाता है। जी हाँ, जलेबी इसलिए, वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को इतना गोल घुमा दीजिए कि उसकी शुरुआत और अंत का ही पता न चले। तो ठीक आम्रपाली भी अपने शादी के सवाल को इतना घुमा देती हैं कि उनके शुरुआत और अंत का ही पता नहीं चलता। खैर चाहे जो भी हो, लेकिन खबर उड़ी तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। इसलिए हम फिर कहते हैं कि ये एक अफवाह भी हो सकती है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।